हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 से 3 साल की बेबी के लिए शॉर्ट्स बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4। तो हम लोग निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट है मेरा, इस पर मैं लगाऊंगी 4 इंच। और यहां से भी मैं लगाऊंगी 4 इंच। इसकी चौड़ाई मैं लूंगी पूरे 8 इंच। ये देखिए, मैं इसे सीधी ही निशान खींच लूंगी। ये देखिए, सीधी लाइन। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं लूंगी 6 इंच और यहाँ पे मैं लूंगी 2 इंच। इसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच। अब इसे यहाँ पे हम ऐसे गोला कर देंगे। ये देखिए, इसे मैंने गोला कर दिया है। मेरे शॉर्ट्स की लंबाई है 8 इंच, कंप्लीट 8 इंच है। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं यहाँ 10 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, ये नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 8 इंच लगाऊंगी, यहाँ पे भी मैं 8 इंच लगाऊंगी। अब मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया था। ये देखिए, यहाँ पे भी ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया था। तो ये देखिए, ये 8 इंच है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है। मैं यहाँ पे 8 इंच ली थी, तो यहाँ पे मैं 8.5 लूंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा लूंगी। ऐसे तो फ्रेंड, ये शॉर्ट्स पे निशान लग चुके हैं। अब मैं इन्हें कट करूंगी। तो ये देखिए, इसे मैं यहां तक पूरा काट लूंगी।
ये देखिए मैंने इसे भी कट कर लिया है, मैं इसे सीधा काट लूंगी। ये देखिए तो ये मेरा कट चुका है, ये देखिए। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे दोनों में सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसे ओपन करूँगी, तो ओपन करने के बाद ये ऐसे आएगा। ये देखिए ऐसे। तो फ्रेंड हम इसे ऐसे यहाँ पे भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये ऐसे आएगा सिलाई लगने के बाद। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे, ये जो 4 इंच यहाँ पे हम लगाए थे बेल्ट के लिए, ये देखिए ये 4 इंच का यहाँ पे हम बेल्ट लगाए थे, ये देखिए। तो हम इसे फोल्ड करके सिल लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे करेंगे ऐसे, और फिर इसके बाद ऐसे कर लेंगे ऐसे। तो पूरे में हम ऐसे यहाँ तक पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इलास्टिक लिया है, ये मेरा 1 इंच का है, 1/2 इंच का, ये देखिए 1/2 इंच का है। तो मैंने इलास्टिक की लंबाई ली है, ये देखिए। मेरे इलास्टिक की लंबाई है 15 इंच। तो मैं इसे सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें डाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इलास्टिक मैंने इसमें डाल ली है, ये देखिए। इलास्टिक मैंने डाल ली है इसमें। अब मैं इसे लॉक कर दूंगी, यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी, यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ मैंने लॉक कर दिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे, ये जो मैंने इलास्टिक डाल रखे है इसमें 2, 3, 4 सिलाई मैंने चलाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको मैं ऐसे तानते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे 4 सिलाई लगाई है। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे ऐसे करके तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे भी सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है, दोनों तरफ सिलाई लग चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी। तो इसे सिलाई लगाने के लिए मैं इसे उल्टे साइड करूंगी, ये देखिए। तो यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया था, इसे मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, तो इसे मैं 2 इंच पे ऐसे फोल्ड करूंगी। तो ये देखिए, इसको पहले मैं ऐसे करूंगी, ये देखिए, उसके बाद ऐसे कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे भी बना लेते हैं। ये फ्रेंड, ये मेरा दोनों तरफ सिलाई लग चुका है, इस तरफ भी लग चुका है, इस तरफ भी लग चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड, सिलाई लगने के बाद अब मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे भी लगा ली है सिलाई। तो ये मेरा शॉर्ट्स बन के तैयार हो चुका है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये शॉर्ट्स बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे यहाँ पे मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो
तो बेल्ट लगाने के लिए मैं सबसे पहले पट्टी को कट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा वो जो मैंने कपड़ा काटा था वो बचा हुआ कपड़ा है, तो ये मेरा है 3 इंच। तो मैंने 3 इंच काट रखे हैं पट्टी के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे ऐसे करूंगी, ये देखिए ऐसे। ऐसे करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाऊंगी, ऐसे तिरछा में सिलाई लगाते हुए इसे सीधा ऐसे सब सिलते जाऊंगी। तो फ्रेंड ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने बना लिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है, ये देखिए ये मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पलट लूंगी। तो फ्रेंड ये मेरी पट्टी भी बन के तैयार हो चुकी है। इस साइड मैंने जिस तरह से बनाया था मैंने भी इस साइड बना लिया है। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पे ऐसे पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, तो देखिए फ्रेंड इसे मैं ऐसे काट लूंगी। अब मैं इसे ऐसे करके ये देखिए ये मैंने दोनों साइड कर दिया। मैं इसे वन साइड कर दूंगी, तो यहाँ पे मैं इसे सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना लिया है ऐसे, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने बना लिया है। अब मैं इसके 4 टुकड़े करूंगी। तो ये देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो मैं एक यहाँ पे लगाऊंगी, एक यहाँ पे लगाऊंगी और 2 यहाँ यहाँ पे लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लगाने के लिए मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लूंगी, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे मोड़ दिया, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है। सेम इसी तरह मैं नीचे भी ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लूँ। देखिए ये मेरा बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं इसे काट के निकाल दूंगी। ये देखिए सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी ऐसे मोड़ के सिलाई लगा दूंगी। तो सेम इसी तरह मैं चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, शॉर्ट्स बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।